संपूर्ण देशवासियों को श्रीराम जन्मभूमि की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं न्यूज 29 इंडिया की ओर से। रायसेन जिला मुख्यालय पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। रायसेन में आगामी त्योहारों को देखते हुए रायसेन जिला मुख्यालय पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इसके अलावा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। फ्लैग मार्च में SDM LK खरे, SDOP कृष्णपाल सिंह, तहसीलदार अजय पटेल, थाना कोतवाली TI जगदीश सिंह सिद्धू सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और प्रशासनिक और पुलिस वाहन फ्लैग मार्च में शामिल थे। रायसेन कोतवाली थाना TI जगदीश सिंह सिद्धू ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लोग बहुत लापरवाह बनते जा रहे हैं। इसकी गंभीरता को लेकर सचेत करने के लिए और आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, इसके प्रति लोग काफी लापरवाह होते जा रहे हैं। उनको उसकी गंभीरता के प्रति सचेत करने के लिए और आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पुलिस के बल का प्रदर्शन किया गया था। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।